गोसाई मेरा रखिया करो गोसाई सबा मन की
रखिया
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज आपां सत्कार योग चौधरी कल्याण सिंह अज आपां उन्हां दे अंतम अरदास समागम विच जुड़े सतसंग जी। ये जेड़ा अंतम समा है गुरमत विच इसनू अंतम संस्कार कहिंदे ने, जन्म संस्कार, अमृत संस्कार ते अंतम अरदास वेले जिहनू आपां कहिंदे आ उहनू अंतम संस्कार कहिंदे आ। अपनी किरिया हरेक धर्म दे विच थोड़ी जी आवाज करियो, हरेक धर्म दे विच अपने अपने तरीके नाल किरिया कीती जांदी है, पर सिख धर्म दे विच जिहनूं अरदास समागम आख्या जांदा है, जो आपां इत्थे बैठे और अरदास समागम दे विच संत करतार सिंह जी नौशहरा साहब वालिआं ने आप जी नूं शब्द सुनाया, रख्या करो गोसाई मेरे गो नाम धरती दा है, साई नाम पालना करन वाले दा है। रख्या करो गोसाई मेरे, हे धरती दे पालनहार वाहिगुरु। अज आपां नूं भी सारिआं नूं इही अरदास करनी है जो चौधरी कल्याण सिंह जी हुणा वास्ते यही अरदास करनी है। परमात्मा विछड़ी आत्मा दे कोलों एक नहीं अनेकां भुल्लां हो जांदियां सुभाविक ने, क्योंकि इंसान है, इंसान है ही भुल्लणहार। भुल्लण अंदर सब को अभुल गुरु करतार, जिहड़ा इंसान है वह भुल्लां कर सकता है। और अज का जो दिन है ये विछड़ी आत्मा दे वास्ते सनमर बेनती करन दा दिन है, ता ही संत जी ने यह शब्द पढ़िया। और मैनू इत्थे आ के पता लगा कि चौधरी कल्याण सिंह जी बहुत नेक इंसान सन, बहुत धार्मिक बिरती दे सन, गुरद्वारा साहब विच मैंबर भी रहे और नाल नाल होर अनेक समाज के उन्होंने कार्य कराए जिहड़े काबिले तारीफ हैं। मैं समझदा इंसान इस धरती के उत्ते एक जिवें कोई आलणे दे विच रहण वाला पंछी है ना, एवें ही आउंदा है। आलणा जिहदे विच पंछी कुछ समा रहिंदा है ते पता नहीं हुंदा कदों उस ब्रिक्ष नूं कट्टण वाला आ जाए तो उन्हों आलना छड़ के जाना पवे। ये शब्द है जिहड़ा मैं हुणे पढ़ना है, तां मैं इह गल शुरू कीती। इंसान बिल्कुल उसे तरह धरती उत्ते आउंदा है, कुछ समा इत्थे गुजारना हुंदा, फिर उन्हें जाना हुंदा है। पर उस गुजारे हुए समय दे विच बहुत सारे पल जिहड़े याद रखण योग हुंदे ने, ऐसे कार्य चौधरी कल्याण सिंह जी करके गए ने। और इन्हां कार्यां की चर्चा हमेशा होंदी है जिहड़े चंगे कीते हो। शब्द जिहड़ा दास ने पढ़ना है, शब्द है राम रस पिया रे जेहे रस बिसर गए रस और। दुनिया के उत्ते दो रस ने, एक समाज का रस है, एक परमात्मा का रस है। समाजिक चीज़ों में भी बड़े रस ने, संसारी चीज़ों में भी बड़े रस ने, अनेक तरह के खाण के रस ने, पहनण के रस ने, सुगंधी के रस ने, ये सारे रस ने, पर एक नाम का रस है जो उन्हों कोई चख लैंदा है उन्हों दूजिया रसां की लोड़ नहीं रहिंदी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ता इस शब्द विच उस आलणे दा जिक्र आना जिहड़ा मैं पहलां तुहाडे नाल सांझा करदा सी, ओह की है, रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार,
बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार। जिस तरह एक पंछी अपने आलने विच रात कटन आउंदा है, सारा दिन इधर उधर ओ आप दे रिजक दे वास्ते पाल विच रहिंदा, एवें इंसान भी धरती वास्ते धरती विच इक आलने दे न्याई कुछ समा बतीत करन वास्ते धरती ते आउंदा है। रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार। एक ना एक दिन छड़ के सानू जाना पैंदा। तो अज ओ समा है कि साडे विचों माणमती रूह चौधरी कल्याण सिंह जी गए ने ते आपां सारे उन्हां दी याद विच जुड़े ने। तो आओ पहला शब्द गायन करन तों पहला मैं बेनती करा तुहाडे सारिआं दी रसना पवित्र होवे और विछड़ी रूह नूं शांति मिलेगी जेकर तुहाडे सारिआं दी रसना विचों निकले सतनाम श्री वाहिगुरू। दास दो वारी अगे बोलेगा ते तुसी नाल पूरे एक मन एक चित हो के गायन करना, तां आपां फिर कीर्तन भी आरंभ करांगे जिथे तुहाडी रसना पवित्र तुहाडी आत्मा दा भला है उत्थे विछड़ी आत्मा दा भी भला होवेगा। प्यार विच आण के आखियो सत नाम वाहिगुरु, 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 आओ आप जी सरवण करो ये शब्द। राम रस पिया रे जे रस बिसर गए रस और, क्योंकि इंसान धरती दे उत्ते मनुख जन्म लैंदा ही तां कि वह वाहिगुरु दा नाम लै सके। इंसान नूं बहुत वड्डी महत्ता दित्ती है गुरबाणी दे विच। सब तो श्रोमणी इंसान नूं आख्या जांदा है। एक इंसान है जिहड़ा शेर नूं भी पिंजरे विच पा सकदा है, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, वड्डे वड्डे जानवरां नूं काबू कर सकदा है। ते जिहड़ा ओह इंसान रब दे नां दा रस पी के दुनिया तों जावे ओह महान बन जांदा है। सरवण करो इह शब्द राम रस पिया रे, राम रस पियार जिह रस बिसर गए रस और, जिह रस बिसर गए रस और, राम रस पियार Thank you.
सत्संग जी सतनाम श्री वाहिगुरु। राम रस मैं बेनती कर रहा सा, कुछ दुनियावी रस ने, कुछ जीभा दे रस ने, कुछ अखां दे रस ने, कुछ कन्नां दे रस ने, कुछ सुंघण दे रस ने, स्पर्श दे रस ने, सारे रस ने। इन्हां सारियां रसां दे विच्चों एक रस है जिन्हों रब दे नाम दा रस कहिंदे। वो जिस किसी नूं आ जांदा है ना, जिद्दन आउंदा है उद्दन बंदा बदो बदी कहिंदा अज रस बड़ा सी। इहदा मतलब उहनूं उस रस बारे थोड़ा जिहा ध्यान पर अनुभव होया कि अज कुछ वखरा है, क्योंकि हरेक चीज अपने वल नूं खिंचदी है। तो इस तरह जिहड़ा रब दे नां दा रस पींदा है उहनूं फिर दुनियावी रसां दी कशिश घटदी है, नहीं तो दुनियावी रसां दे विच पै के फिर दुनियावी रसां दी कशिश वधदी है,
जिन्ना जिन्ना को रब दे नेड़े हुंदा है उन्हों दुनियावी रसां दी कशिश घटदी। जिवें जिवें कोई इंसान धरती तो उच्चा उड़दा जांदा है धरती की गुरुता खिच तो दूर हो जाता। तो आप कई बार वेखते हैं साइंसदान जेडे पुलाड़ दे विच जांदे ने वो ऐ हवा च उड़ते फिरते हैं हौले हो जाते हैं। इस तरह जिहड़ा रब के नाम नाल जुड़दा है वह मन करके बड़ा हौला हो जाता है। उहदे मन ते बोझ घट जांदे ने चिंतावां घट जांदियां ने क्योंकि तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। तो इस शब्द विच आप जी सरवण कर रहे सी राम रस पिया रे जेह रस बिसर गए। बिसर मैंने हुंदा भुलना बाकी ते रस ही भुल गए। तो ऐसा इस शब्द विच एक पंक्ति आई और मुए क्या रोई है। जदों कोई इंसान धरती तो जांदा है ते एक सुभाविक गल है कि दूजे इंसान उहदे कोल बह के विरलाप करदे ने रोंदे ने। बाणी च फरमान आया और मुए क्या रोई है ये रस घटण दी गल है। जिहदा घट जाएगा उहने इस अवस्था तक पहुंचना है नहीं तो मेरे वर्गा भी हो सकता कि डोल जाए। जेड़ा उस रस तक पहुंचेगा हुण उस रस तक पहुंचे हुए जे वेखने हुण तो फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सामने बच्चे शहीद होए पए ने पर वह इस अवस्था के मालक सन कि उन्होंने वेख्या ही नहीं तो मैं इन्हों के उत्ते कोई खफन ही पा जा या मैं इन्होंने सामभ संभाल कर दा मतलब ही नहीं। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर इतिहास कहिंदा है कि उहदे मूंह विच कढ के उहदा कलेजा पा दा पुत्तर दा इह किड्डा वड्डा तशद्दत सी पर वह राम दे रस नाल जुड़े होण करके डोले नहीं। तो इस करके जिहड़ा उस अवस्था का मालक बन जाता उहदे उत्ते आ पंक्ति ढुकदी है हालांकि सारिआं उत्ते नहीं ढुकदी सारे इत्थे पहुंचे नहीं होंदे। पंक्ति है और मुए क्या रोई है आख्या महाराज क्यों रोण ते सानू आउंदा है। पातशाह कहिंदे जो आपां फिर ना रहाए तू रो तां भई दूजा चले गया तू ते सदा रहना। जिहड़ा रो रहा हुंदा है उहनू इह हुंदा मैं तां मरना नहीं मैं तां दुनिया तों जाणा नहीं। पातशाह फरमान करदे और मुए क्या रोई है जो आपां मैना मैं खुद रोण वाला फिर ना रहाए इत्थे सदा ते रहना नहीं। जो उपजै सो बिनस है मां पातशाह कहिंदे जिहड़ा धरती ते आउंदा है ना वो असल विच तां खत्म होण वास्ते ही आउंदा है। जो उपजै सो बिनस है उहने तां चले जाणा सी पर ऐ इंसान दुख कर रोवे बुलाए तू दुख महसूस करके आवाजा मार रहे हैं कि नहीं तू भी वापस आ जा तू भी वापस आ जा। पातशाह कहिंदे इस तरह हुंदा नहीं कदे क्योंकि जह की उपजी तह रची जिथों जोत आई सी उत्थे ते वापस चल गई हुण तेरे कोलो जोत की लैण आएगी। जिहड़ा कोई इंसान आउंदा है वो जांदा भी उत्थे आ जिथों आउंदा है क्योंकि जदों धरती दे उत्ते इंसान पैदा हुंदा है पंज तत् लै के आउंदा है पांच तत्तां दा पुतला हुंदा है ते जदों अग विच आपां साड़दे आ वो पंज अपने अपने सूप में चल जाते हैं। मिट्टी च मिट्टी चल जाती हवा च हवा चल जाती। आप जी वेखते हो मैं एक इंसान को सुनिया सी कहिंदे जिस दिन बच्चा जन्म लैंदा है जिन्ना वेट उहदे जन्म लैण समय उहदा हुंदा है आ जदों आपां फुल चुगदे आ तुसीं जोख के वेख लैणा उन्ना कु वेट फुल्लां दा हुंदा है जे सुआह पासे कढ दईए ते जिन्ना वेट जन्म लैण समय बच्चे का हुंदा है उन्ना ही वेट हड्डियां का रह जांदा है। ते कहिंदे ने फिर की आया ते की गया मारे कहिंदे पवन मैं पवन समाया ज्योति मैं ज्योत रल जाया माटी माटी होई एक रोवण हारे की कवन टेक। कहिंदे कौन मुआ रे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बेचारा ये तो चलत पया इत्थे कौन जम्मिया ते कौन मरदा है। बस इन्हां की भुलेखा है सतगुरु कृपा करन सानू अपना रस बख्शन
ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਸੀ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਖਾ ਗਈ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਖਾ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਸੇ ਐਸੇ ਅਚੰਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਹੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰੇਂਗੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਸਭ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੌਖਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 21-22 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ। ਮਾਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਪਿਓ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਇੱਕੋ ਜੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੌਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ। ਸੌ ਗਏ, ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਆ। ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਲਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਠਾ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਚਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ ਲੇ। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਤੋਂ, ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਜੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚਾਹ 7:30-8 ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠਾ ਦੀਏ, ਇੱਕੇ ਹੀ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਠਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਕੜਿਆ ਪਿਆ।
ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਦੀ ਏਦਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ, ਅੱਜ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰੇਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਵੀਂ ਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਆਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੇ, ਪਰ ਆਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਐਸਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਜੇ
सब कोई नारी नारी है जो आया सो चल से सब कोई आई वारी है जिसके दी सतनाम श्री वाह सत्संग जी इंसान धरती ते आया आके मुड़ गया ये एक निजम है कुदरत दा पर इंसान धरती ते आया धरती ते उत्ते आके बहुत उच्चे कर्म कर गया ये सब तो वड्डी गल है जिवें चौधरी कल्याण सिंह जी अपनी जिंदगी विच अनेकां लोकां दा भला करके गए ते हरेक इंसान नूं उहनां दे जीवन तो प्रेरणा लैनी चाहीदी है कि अपने जीवन विच वध तो वध भला करे क्योंकि चंगे कर्म ते माड़े कर्म दोनों ही दरगाह दे विच वाचे जांदे ने ऐसा नहीं कि चंगियां दी ही वाचना की जाती है वेख्या जाता है नहीं माड़े भी उन्ने वेखे जाते हैं आप जी अक्सर बाणी विच पढ़ते हो चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हदूर चंगे कर्म माड़े कर्म दरगाह दे विच जरूर देखे जाते ने इस करके जो भोग ते कीर्तन हुंदा है ते कीर्तन सरवण करदिया करदिया सानू इस सब चीजां दा ध्यान अपने आप आउंदा भी है कि असीं कित्थे बैठे आ कदी इह मेरा भी भोग पएगा जे अज किसे दे बारे चंगे बोल बोले जांदे ने ते मैं भी कुछ इहो जिहा करके जावां कि जदों मेरा लास्ट टाइम आवे ते मेरे वास्ते कोई चंगा बोल बोल सके पर बोले किहदे वास्ते जाणगे जिहड़ा कोई चंगे कर्म करके जाए तो मैं पहला ये शब्द पढ़ रहा पवन ने मैं पवन समाया
जैसे जलते बुध बुदा उपज बिन सनीत जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत चिंता तां की कीजिए जोवन होनी होए इहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई सज्जन सच्चा पात शाहु सिर शाह दे शाहु जिस पास बैठिया सोही है सवना दावे साहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सूरठ महला नौमा अरे नर ए साची जी तार सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत ना बार अरे नर ए साची जी तार सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत ना बार रहाओ बारू पीत बनाई राच पाच रहत नहीं दिन चार तैसे ही ये सुख माया के उर्ज्यो कहा गवार अजहु समझ कछ बिगड़ो नाहिन भजले नाम मुरार कहो नानक निज मत साधन को आख्यो तुहे पुकार अजहु समझ कछ बिगड़ो नाहिन भजले नाम मुरार कहो नानक निज मत साधन को पाख्यो तुहे पुकार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।